छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अपने पूरे उफान पर है। पार्टियों के स्टार प्रचारकों का लगातार आगमन और प्रेस वार्ता का दौर भी जारी है। स्थानीय कांग्रेस भवन दंतेवाड़ा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को एक सम्मान दिया है, छत्तीसगढ़िया कहलाने का सम्मान प्रतिष्ठा भी दी है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में क्या है। वादा किया अब तक अपने ऐलान भी किया था राहुल गांधी जी ने कि उसको बढ़ाकर हम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। तेंदुपत्ते की बात करते हैं आप, तेंदुपत्ता की बात अगर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हरा सोना। और बहुत सारे परिवार इस कारोबार में उनका जीवन चलता रहता है, उनकी रसोई चलती है, उनको खाना उससे मिलता है। तो हमने ये फैसला किया है कि प्रति वर्ष उनको इनपुट सब्सिडी मिलेगी 4,000 रुपये, इसके अतिरिक्त उनको 4,400 रुपये मानक बोरा हम ये खरीदारी करेंगे। तो ये बहुत बड़े ऐलान हैं, हमने किए हैं, हमने वादे किए हैं। आप जानते हैं कि हम ये वादा पूरा ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा हमारा जनता पे विश्वास, जनता पे हम पर विश्वास भी है। हमारा एक और वादा है सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना मैं समझता हूँ इसीलिए अनिवार्य है, कांग्रेस पार्टी इसलिए समझती है। और जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और ये सब एक तरह से जुड़ा हुआ है। समता, समरसता, हमारा ये जो वादा है, लक्ष्य है, ये जुड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना से हमें ये पता चलता है कि इस समाज में जो सामाजिक, जो आर्थिक और शैक्षणिक जो हकीकत है, जो व्यवस्था है, वो सामने